सतना से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में मंदिर देवी शारदा के करीब जंगल में 11 साल लड़की तशद्दुद ज्यादा हालत में मिली, जिसके इज्तिमाई अस्मत दरी की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासती पुलिस ने बताया कि लड़की खून में लथपथ पाई गई, इसके पूरे जिस्म पर तेज धार आले के निशानात मौजूद थे। लड़की की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। पुलिस ने बताया कि दो लोगों को वाकये में मुलव्वस होने के शुबा में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक मुलजिम मंदिर की इंतजामी कमेटी के जेर इंतजाम गौशाला में काम करता है। पुलिस का यह भी कहना था कि लड़की कल शाम से लापता हो गई थी और रात गए तक घर न पहुंचने पर उसके अहले खाना ने पुलिस को इतला दी, जिस पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। लड़की सतना जिला के आरकंडी टाउनशिप में अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जंगल में पाई गई। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को हदायत दी है कि वो मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इस बात को यकीनी बनाए कि मुतासर लड़की को बेहतरीन तिबी इलाज फराहम किया जाए।